मिशन नगरोदय के अंतर्गत खरगोन में 63 करोड़ से अधिक के कार्यों के ई लोकार्पण हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से जिले की सभी नगरीय निकायों के विकास कार्यों का ई लोकार्पण और ई भूमि पूजन किया। राज्य सरकार ने 407 नगरीय निकायों के इस कार्यक्रम को मिशन नगरोदय नाम दिया है। स्थानीय नपा के टाउन हॉल में पहली बार नगरीय निकाय के इतने बड़े कार्यक्रम के गवाह जनप्रतिनिधि और अधिकारी बने। खरगोन नपा के अमृत योजना अंतर्गत सिवरेज विकास योजना के तहत 63.40 करोड़ की लागत के कार्यों का ई लोकार्पण किया। वहीं नगर के मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के तृतीय चरण अंतर्गत 1.986 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का भी ई भूमि पूजन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री चौहान ने जिले की अन्य नगरीय निकायों में भी मिशन नगरोदय अंतर्गत निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मैं बहुत ज्यादा ने कहते हुए जब शासन की ये मंशा भारत का अमृत महोत्सव मनाने की रही तो साथ ही साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे मनाने का अवसर लिया है और उसमें ये कहा गया है कि हम न्यायाधीशों को इसकी भागीदारी कैसे की जाए इसमें। तो जो भी ट्राइबल वेलफेयर से संबंधित जितनी भी योजना हैं उन योजनाओं को विधिक साक्षरता शिविर लगाकर उन योजनाओं को प्रसारित करेंगे हितग्राहियों को वे सुविधाएं कैसे प्राप्त हो रही है, कैसे होगी, इसके प्रचार प्रसार के लिए विधिक साक्षरता कैंप लगाए जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।